नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही अहम बात। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर डॉक्टरों को सलाम किया है और कहा है कि भारत हमारे डॉक्टरों को सलाम करता है जो कोविड-19 के खिलाफ जारी जद्दोजहद में सबसे आगे है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देते हैं। मुश्किल की इस घड़ी में अस्पतालों में सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर्स नर्स ईश्वर का ही रूप है। खुद की चिंता ना करके हमें बचा रहे हैं। इनके साथ बुरा बर्ताव होता दिखे तो आप वहां जाकर लोगों को समझाइए, डॉक्टर नर्स मेडिकल स्टाफ जिंदगी बचाते हैं। हम उनके उपकारों को कभी नहीं उतार सकते हैं। हम सबका दायित्व है कि जो देश की सेवा करते हैं, जो देश के लिए खुद को समर्पित करते हैं, उनका सार्वजनिक सम्मान हर समय होना चाहिए। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं दी है। भारत के खिलाफ बयानबाजी कर खुद फंसे नेपाल के प्रधानमंत्री। बीते दिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ खूब बयानबाजी की थी, जिसके तहत उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुछ लोग होटल में बैठकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब वो खुद ही फंसे नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उनकी ही पार्टी के लोगों ने ओली से उनकी कही गई बातों को साबित करने की मांग की है, जिसके तहत साफ तौर पर कहा गया है कि या तो वो अपनी कही गई बातों को साबित करे अन्यथा अपना पद छोड़ दे। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की एक मीटिंग में पुष्प कमल दहल, प्रचंड माधव कुमार नेपाल और पूर्व डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री वामदेव गौतम ने ओली के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि वो हर तरह से विफल रहे हैं। भारत के खिलाफ ओली की कही गई सभी बातें गलत हैं। देश में आज से शुरू हुआ अनलॉक का दूसरा फेज। समूचे भारत में आज से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके तहत गृह मंत्रालय ने पहले ही जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, जिसके अनुसार अनलॉक के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो कि सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत चलाई जा रही है, उनका परिचालन नहीं होगा। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात के समय में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के पहले की भांति बंद रहेगा। वहीं इसके साथ ही नए दिशा निर्देश में थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, मेट्रो रेल समेत सभी सार्वजनिक स्थानों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने हालांकि साफ तौर पर कहा है कि सार्वजनिक स्थानों को खोलने के बारे में सोच विचार अभी किया जाएगा, आने वाली स्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लिया जाएगा। दूसरे एप्स के मुकाबले चीनी एप्स मांगते हैं दोगुनी जानकारी। कुछ दिनों पहले भारत ने चीन के 59 ऐप को बंद कर दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे करके इन चीनी एप्स की जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सभी चीनी एप्स दूसरे एप्स के मुकाबले यूजर से दोगुनी जानकारी मांगते हैं। विशेषज्ञों की माने तो चीनी ऐप हेलो शेयरिट के अलावा यूसी ब्राउजर, कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंच मांगते हैं, जबकि उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। चीनी ऐप्स 1 वर्ग किलोमीटर की लोकेशन की जगह 1 मीटर से कम दूरी की फाइल लोकेशन मांगते हैं। इन ऐप पर तीसरी पार्टी में डेटा शेयर करने का भी नाम आए दिन सुनने में मिलता है। हालांकि इन ऐप्स को लेकर आए दिन निजी जानकारी साझा करने की बात भी सुनने में आई है। साल 2017 में भी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें 40 चीनी ऐप्स को यूजर्स के डेटा के लिहाज से हानिकारक बताया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट ऑफिसर पद के लिए निकाली गई रिक्तियां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के लिए कुल 9,638 पदों के लिए आवेदन की मांग की गई है, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार स्थानीय इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS के एप्लीकेशन पोर्टल ibpsonline.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2020 तय की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर पद स्केल 1 और 2 के लिए स्नातक डिग्री प्राप्त युवा आवेदन कर सकते हैं, जबकि ऑफिसर स्केल 3 के लिए विभाग के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक और प्रतियोगिता मांगी गई हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से राष्ट्र का संबोधन किया था, जिसके बाद विपक्षी दलों की बयानबाजी भी जोर शोर से देखने को मिल रही थी। इसी क्रम में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को चीन पर बोलना था लेकिन वो चना पर बोल गए। हालांकि अपने द्वारा बिना योजना के लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से आज के समय में चना भी बेहद जरूरी है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई त्योहार के नाम दिए, लेकिन वह अपने भाषण के दौरान कुछ समय बाद होने वाले बकरीद के पूर्व का जिक्र करना भूल गए। लेकिन कोई बात नहीं है, आप सबको ईद मुबारक। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आया एक नया ट्विस्ट। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में ही अपनी जान ले ली थी। हालांकि मुंबई पुलिस अपनी तरफ से लगातार सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए इस कदम के कारण को जानने में लगी हुई है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट आया है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए इस कदम से पहले ही उनके विकिपीडिया की पेज हिस्ट्री पर 8:00 बजे
59 मिनट पर ही उनके इस कदम की जानकारी अपडेट कर दी गई थी। यह कैसा हुआ, क्या वजह थी, इसका पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसके लिए साइबर सेल की मदद भी ली जा रही है। पुलिस विकिपीडिया पेज के फैक्ट्स वेरीफाई करना चाहती है। मुंबई पुलिस के सामने आए बयान, पंचनामा और सारी रिपोर्ट्स का पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत तकरीबन 9:30 बजे बाहर आए थे, फिर उन्होंने जूस पिया और तकरीबन 10 बजे वो अपने कमरे में वापस लौट गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि विकिपीडिया हिस्ट्री पर कैसे सुशांत सिंह राजपूत के इस कदम की जानकारी पहले ही अपडेट हुई। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार विकिपीडिया यूटीसी टाइमलाइन को फॉलो करता है। यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन के तकरीबन 5.5 घंटे पीछे है। अपने जन्मदिन से पहले महेंद्र सिंह धोनी शुरू करने जा रहे हैं एक नई पारी। इसी महीने महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, वहीं उससे पहले वो अपनी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कल महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की कोचिंग शुरू करने वाले हैं। यह ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, यानी धोनी एक ही जगह से देश दुनिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को टिप्स देंगे। खबरों की माने तो इसमें 6 से 8 साल तक के क्रिकेटर्स तो होंगे ही, साथ ही सीनियर लेवल के खिलाड़ी भी कोचिंग ले सकते हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अकेडमी आर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ जुड़कर काम करेगी। इसी अकेडमी से जुड़े एक निवेशक ने बताया है कि इस योजना का हमें अलग अलग राज्यों से पॉजिटिव जवाब मिल रहा है, जल्द ही इसे बड़े स्तर पर ले जाने का कार्यक्रम है। एक नर्स ने की राहुल गांधी से मदद की मांग। आज डॉक्टर्स डे के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नर्सों से बातचीत की थी। राहुल गांधी के साथ 4 नर्सें जुड़ी थी। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुश्किल के समय में आप लोग COVID-19 के खिलाफ जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं न्यूजीलैंड से जुड़ी नर्स ने कहा कि मैं लोगों की सेवा के लिए काम करती हूं। न्यूजीलैंड के पीएम ने समय पर बड़े कदम उठाए हैं, जिसका फायदा देखने को मिला है। वहीं भारत के प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की हालत बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की सैलरी काटी जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यह स्वास्थ्य कर्मी कोविड बढ़ने के खिलाफ कैसे खड़े रहेंगे और अपने परिवार को कैसे देखेंगे, जिसके तहत उन्होंने राहुल गांधी से सरकार की तरफ से मदद मुहैया करवाने की मांग की है। पेट्रोल डीजल के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ रही है कीमत। 1 जुलाई को लगातार दूसरे महीने में पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल का बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का सिलेंडर इंडियन आज से दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पर 594 में मिलेगा, जबकि दिल्ली में इसके रेट में 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मुंबई में प्रति सिलेंडर 3.5 रुपए की वृद्धि की गई है। कोलकाता में 4 रुपए और चेन्नई में 6 रुपए महंगा किया गया है। हालांकि 19 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई कटौती नहीं की गई है। 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1139.50 रुपए से घटकर 1135 पर आ गई थी। वहीं अब मुंबई में 19 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1197.50 से घटकर 1193 रुपए पर आ गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जून महीने में भी 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर के दाम में 11.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी की गई थी। आईसीएमआर की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी रही विफल। राजधानी दिल्ली में COVID-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आईसीएमआर के सूत्रों ने कहा है कि यह थेरेपी COVID-19 के उपचार में सफल नजर नहीं आ रही है। 425 COVID-19 मरीजों पर इसका ट्रायल है, लेकिन 300 मरीजों को प्लाज्मा देने के बाद भी उनकी हालत ठीक नहीं हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आईसीएमआर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि अभी प्लाज्मा थेरेपी पर अध्ययन किया जा रहा है, इसके परिणाम का इंतजार है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि यह थेरेपी COVID-19 प्रभावितों के लिए कितनी कारगर है कितनी नहीं। आईसीएमआर के सूत्र की माने तो प्लाज्मा थेरेपी के शुरुआती परीक्षण के नतीजे सामने आए हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि इस थेरेपी में COVID-19 के उपचार में किसी भी प्रकार से मदद नहीं हो रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा 3 महीने तक मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने की अवधि को बताया ढोंग। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले 3 महीने तक मुफ्त में दिए जा रहे राशन की अवधि को बढ़ाने का ऐलान जारी किया था, जिसके बाद बहसबाजी का सिलसिला भी हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को निराशाजनक बताया है। भारत में चीनी एप्स को बंद किए जाने पर चीनी मीडिया की आई प्रतिक्रिया। बीते कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब इस कदम पर चीनी मीडिया ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिस पर चीनी मीडिया ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उनके लिए ही हानिकारक साबित होने वाला है। चीन के आधिकारिक मीडिया की ओर से इस प्रतिबंध पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने में मिल रही है, जिसके तहत यह कहा गया है कि इस ऐप पर लगाया गया प्रतिबंध अल्ट्रा नेशनलिज्म की लहर का हिस्सा है। अचानक उठाया गया यह कदम भारतीय सैनिकों द्वारा सीमा पार करके चीन के साथ अवैध गतिविधि शुरू करने और चीनी सैनिकों के साथ हुए वाक्या के बाद आया है। यकीनन भारत का यह कदम भारतीयों के लिए ही नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि इस प्रतिबंध के कारण भारतीयों की नौकरी जाने का बहुत बड़ी संभावना बढ़ गई है। SBI ने अपने 65वें जन्मदिन पर ग्राहकों को दिया अनोखा तोहफा। SBI ने अपने 65वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए योनो शाखाओं का तोहफा दिया है। फिलहाल अभी देश के 3
बड़े शहर में ऐसी शाखाएं खोली जाएंगी, जिसके बाद इसका विस्तार पूरे देश में अगले 5 महीने में कर दिया जाएगा। बैंक ने कहा है कि वो गुरुग्राम, नवी मुंबई और इंदौर में इस तरह की बैंक शाखाओं को खोलने जा रहा है। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार ने बताया कि हमें भरोसा है कि इन शाखाओं से ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग अपनाने में बहुत मदद मिलेगी और इसकी वजह से वो आसानी से सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे, जिसके तहत बैंक के केंद्रों पर ग्राहकों को 24 घंटे बैंक के कर्मियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। बैंक ने अपनी स्थापना के 65वीं वर्षगांठ पर इन शाखाओं को पेश किया है। साइकिल की पुरानी कंपनी एटलस अब नीलामी के कगार पर। एक वक्त ऐसा था जब साइकिल की कंपनी के बारे में जब भी जिक्र होता था तो एटलस का नाम जरूर सुनने में आता था। हालांकि अभी यह समय है जब कंपनी बिकने के कगार पर आ चुकी है। फंड की कमी होने के दावा करते हुए एटलस प्रबंधन ने पिछले दिनों अपनी आखिरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर ताला लगाने का फैसला लिया था। मिली जानकारी के अनुसार एटलस साइकिल्स का हीरो साइकिल की ओर से अधिग्रहण किया जा सकता है। फंड की कमी का हवाला देते हुए बंद करने के फैसले के बाद हीरो पर अपना मालिकाना हक रखने वाले मुंजाल फैमिली ने एटलस को खरीदने में रुचि दिखाई है। मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार हीरो साइकिल के मुखिया पंकज मुंजाल ने हीरो साइकिल के प्रमोटर से बातचीत शुरू कर दी है। खुद उन्होंने ही बताया है कि हीरो दुनिया भर में ब्रांड्स को खरीदने पर विचार कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार COVID-19 के बढ़ते माहौल के बीच मिल रही छूट कितनी सही है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।